गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभी। और क्या हाल चाल है सब लोगों के? बस अभी और गुड मॉर्निंग आयशा, हाउ आर यू? गुड बताइए, सही जवाब क्या होगा? सॉरी मैं तो क्वेश्चन ही पुट नहीं किया। चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है पादप कारी यानी पादप यानी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? तो देखते हैं आज हम लोग क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग आ गए क्लास में? क्या क्लास में आ गए सब लोग? पहला क्वेश्चन देखते हैं कि परासरण की परिभाषा क्या होती है। एक अर्ध परागण कला में होकर विलय का प्रवाह, या कला के बगैर जल का प्रवाह, अर्ध परागम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता और विलायक का प्रवाह, यानी विलायक मतलब जल का प्रवाह, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या करेंगे? अभी एग्जाम आपके करीब है तो एटलीस्ट आप जो है इसका क्या बोलते हैं साइंस के लिए अभी आप एमसीक्यूज कर लीजिए ताकि आपका पीटी कवर हो जाए, है ना? सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट्स अर्ध प्रागम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता और विलायक का प्रवाह। हम एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। नहीं मैसेज देखा नहीं था राखी, इसलिए मैंने बोला नहीं। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है, या बाह्य जल जल बाह्य प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है, कोशिका द्रव्य विघटित हो जाता है, खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। क्या करेंगे सही जवाब? गुड मॉर्निंग विवाह, हाउ आर यू, क्या हाल चाल? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना? लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है जब यह विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन क्या होता है? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक या फिर आइसोटोनिक या संतृप्त, क्या होता है बताइए? तो इसको कहते हैं हाइपर टोनिक, हाइपर टोनिक इज द राइट आंसर। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, एक समपरासरी विलयन में, एक अति परासरी विलयन में, एक अल्प परासरी विलयन में, या इनमें से कोई भी नहीं। ओके तो अब्दुल्ला पहले जाके एग्जाम दीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, दुख रहा है कि एग्जामिनेशन एंड क्लास फिर भी मत कीजिए, जाके एग्जाम दीजिए सबसे पहले। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। एक अल्प परासरी विलयन में। अगला क्वेश्चन देखिए। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, परासरण के कारण, अंत शोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, या जीव द्रव्य कुंचन के कारण, क्यों बताइए? बीज क्यों फूलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंत शोषण के कारण जो है जीव जो बीज जो है वो जल में रखने के बाद फूल जाते हैं, क्योंकि इसमें अंत शोषण होता है ना।
लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना, जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं आप देखते होंगे कि वो वर्षा ऋतु में फूल जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है? अंतः प्रसंस्करण के कारण, अंतः शोषण के कारण, केशिकत्व के कारण, या फिर बीजीवी द्रव विकुंचन के कारण? गुड मॉर्निंग प्राज्ञा, हाउ आर यू? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि बीज को जब आप पानी में रखेंगे तो वो अंतः शोषण के कारण फूल जाता है, फैल जाता है ना? गुड मॉर्निंग अनिता। उसी तरह से जब लकड़ी के बने दरवाजे जो होते हैं वो वर्षा ऋतु में फूलने लगते हैं, उसका रीजन ये होता है कि वो अंतः शोषण के कारण फूलता है। हाँ, सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। अंतः प्रसंस्करण के कारण, बाह्य प्रसंस्करण के कारण, अंतः शोषण के कारण, या स्फीति के कारण? देखिए क्या होगा सही जवाब। गुड, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य प्रसंस्करण के कारण, है ना? आपको पता है कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, है ना? तो ये पौधे की फिजियोलॉजी, पौधा जो होता है, फिजिकल मतलब होता है किसी चीज का पूरा बॉडी, है ना? तो पौधे के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि पूरे पौधे में क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे वो काम करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या क्या प्रोसेस होता है उसमें। तो ये हमारा टॉपिक ही आज का प्लांट फिजियोलॉजी। कोई बात नहीं, प्रणव टेक रेस्ट एंड गेट वेल सून, टेक मेडिसिन, टेक रेस्ट। कौन सा एग्जाम है आपका आज? अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन होता है कैम्बियम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, या फिर जाइलम के द्वारा, या फिर वाहम त्वचा के कारण? यस, जो पौधों में जो जल का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो पौधों में सब जगह जो पहुंचता है वाटर, उसका कुछ ना कुछ सिस्टम होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन को जाइलम बोलते हैं, जाइलम के द्वारा, है ना? जाइलम इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि क्या है, एक पौधा है ऐसा, ठीक है, इसके पौधे के जो साथ जड़े हैं ऐसे ऐसे करके। अभी पौधा जो यहाँ पे इस तरह से निकला है, इसमें पत्तियां हैं, शाखें हैं, ठीक है। तो पौधा जो है यहाँ से अगर पत्ती इसमें लगी है, इसमें पत्ती लगी है, इसमें जो पानी पहुंच रहा है उसका वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यहाँ पानी पहुंचता कैसे? मान लिया यहाँ पे जल तो यहाँ पर है, वाटर तो ये यहाँ से ले रहा है, वाटर तो ये जड़ ले रहा है, रूट ले रहा है इसका, है ना? तो रूट से ऊपर कैसे जाता है ये प्रक्रिया आपको बताना है, यही ट्रांसपोर्टेशन पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ तक तो जो पहुंचेगा वाटर, इस एंगल में वाटर जो आएगा, वाटर का यहाँ से यहाँ आना, उस प्रक्रिया को डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कैसे बोलेंगे, ठीक है? वो सिर्फ जाइलम के द्वारा होता है। देखिए राखी, जिस दिन क्लासेस का टाइमिंग कम होगा, अभी बीच बीच में पॉलिटी उसी दिन लेंगे, क्योंकि पॉलिटी का चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है। पॉलिटी में चैप्टर क्या है कि पॉलिटी अगर आपको जैसे राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे, तो उसका चैप्टर 3-3 घंटा क्लास चलेगा, क्योंकि एक दिन वो इस कंप्लीट होने वाला है नहीं, आधे घंटे में कंप्लीट होने वाला है नहीं, ठीक है? तो आप वैसे भी जिन्होंने राष्ट्रपति नहीं पढ़ा है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी राष्ट्रपति का क्लास बना हुआ है, आप देख सकते हैं उससे, है ना? उससे देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइंस को भी कंप्लीट करना है, करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करना है, तो उतना क्लास एक दिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, फिर आप समझ भी नहीं पाएगा। जब समझिएगा तो पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। हमने खाली आपको बताया कि हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है, जैसे मैंने आपको कल इमरजेंसी पढ़ा दिया, उसी तरह सब कुछ पढ़ा देंगे यहाँ पर, बस थोड़ा टाइम का स्लॉट मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना? टाइम चाहिए थोड़ा उसके लिए।
भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, कोशिका जल, आर्द्र ताग्राही जल, पृथ्वी जल, या इनमें से कोई भी नहीं। इसलिए बायो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैंने पॉलिटी भी पढ़ाया है, आप वो क्लासेस देख सकते हैं पॉलिटी के। बायो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बायो से रहता है अच्छा खासा, साइंस का क्वेश्चन एक अच्छा रोल निभाता है आपके एग्जाम में, इसलिए पढ़ना जरूरी है आपको। ठीक है, तो भूमि में पौधों की जड़ों के लिए जो उपलब्ध जल होता है उसे बोलते हैं कोशिका जल, है ना, केशिकीय जल बोलते हैं इसे, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो लैंप होता है, लैंप में जो तेल ऊपर चढ़ता है, जो केरोसिन लैंप, ऑयल लैंप होता है, उसमें तेल ऊपर चढ़ता है, वो भी कैपिलरी सिस्टम में कहानी चढ़ता है, याद है किसी को, वो भी सिस्टम वहां पे वही काम करता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, 6, 10, 16 या फिर 21? देखिए एक्चुअली क्या है राखी, मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज करा देता हूँ बायो का, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, ताकि आपका पीटी कवर हो जाए। और मेरा जो मेन चैप्टर है मैं आपको पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ा देंगे थ्योरी में, डोंट वरी, बट जो मेजर चैप्टर पॉलिटी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर देंगे। इकोनॉमिक्स का बहुत लोगों का एक डिमांड है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, तो अब हम वो भी पढ़ा देंगे। बस आप लोग कम से कम इतना तो कीजिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड होंगे तो फिर पढ़ाने में मज़ा आएगा। आप लोग थोड़ा एफर्ट लगाइए, आप लोग जो जो बोलिए हम सब पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक एक टॉपिक जैसे इसमें आता है इकोनॉमिक्स में कि मुद्रा स्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं, स्टैग इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं, है ना, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ आपको भी बोल रहे हैं राखी, मतलब सबको बोल रहे हैं, जितनी राखी जितने स्टूडेंट सबको बोल रहे हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है 16, है ना। पौधों की वृद्धि के लिए 16 तत्वों की जरूरत होती है। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, जस्ता, कॉपर, कैल्शियम और मैग्नीशियम? ऐसे जब क्या होगा इसका, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही जवाब है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, जब अकेडमी पे हम पढ़ाते थे तो सब स्टूडेंट बोलते थे थ्योरी पढ़ना है सर, फ्री में करवा दीजिए सर, फ्री में करवा दीजिए। यहाँ पे आपको फ्री में क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन कोई पढ़ने वाला है नहीं, है ना, कोई पढ़ने तो आता ही नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं सब लोग, ये वो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अब यहाँ पे फ्री में क्लास करा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, एग्जाम में कोई पढ़ने आते हैं नहीं। फूल गोभी का विटेल रोग, है ना, किस तत्व की कमी से होता है, ZN, MO, CU या फिर MG? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है, CA, MG, MO या फिर CU? मेरा काम है आपको पढ़ाना, हम पढ़ा देते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि आपको साइंस भी कवर करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ा कवर करेंगे, ठीक है ना, इसलिए पढ़ा रहे। सही जवाब ऑप्शन बी, इट्स MG, मैग्नीशियम, है ना, MG इज मैग्नीशियम। पौधों में वर्षोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है, प्रकाश शोषण की, जल हानि की, खाद्य उत्पादन की या शोषण की? बताइए। गुड मॉर्निंग सोनल, हो भी यू, जय हिंद, हो भी यू, क्या हाल चाल। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये जल हानि होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाष्पोत्सर्जन जो होएगा इसमें जल की हानि होगी, लॉस ऑफ वाटर होगा, पानी निकलेगा, तभी तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है ना।
जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बाष्पीकरण, श्रवण, बाष्पोत्सर्जन या फिर बिंदु स्राव, क्या बोलते हैं? सही जवाब होता है, ये पूछा जब जल बिंदुओं के रूप में, जल बिंदु के रूप में जल की हानि क्या है, इसको बिंदु श्राप बोलते हैं, पॉइंट ब्रेक बोलते हैं इसको, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, या पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है, या पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है, क्या होता है इसमें? हम भी एकदम बढ़िया है, सुन लो। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। बताया जिस मैंने आपको बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो क्या होता है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है, लॉस ऑफ वाटर होता है, मैंने बताया था ना अभी। बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर, कैस्कोमीटर, क्लाइनोमीटर या फिर फोटोमीटर? इसको बोलते हैं प्रोटोमीटर, प्रोटोमीटर इज द राइट आंसर। पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में होती है, फिर पूरे पौधे में होती है, कहाँ पर होती है? अभी जस्ट ये क्वेश्चन बताए हैं, कोई गलत नहीं कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, क्या हाल चाल? देखिए पत्तियों से निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पत्तियों से ही निकलेगा, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे में होती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। होल प्लांट इज द राइट आंसर। वह दिशा जिसमें बाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा, क्या होता है? वायु का निम्न वेग, निम्न नमी और ऊंचा तापमान, उच्च नमी, भूमि में जल की अतिरिक्त मात्रा। देखिए ये बोल रहा है कि बाष्पोत्सर्जन तेजी से कब होता है? ऑब्वियस सी बात है कि जब तेज तापमान रहेगा, उसके लिए तापमान टेम्परेचर का हाई होना जरूरी है, हाई टेम्परेचर होगा तो उसमें बाष्पोत्सर्जन होगा ही होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा ही होगा ना, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? बाष्पोत्सर्जन और श्वसन, श्वसन और पाचन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और बाष्पोत्सर्जन। तो समझ के आराम से आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब। इजी क्वेश्चन है, नॉट अ टफ क्वेश्चन। देखिए आप, हम लोगों ने दो चीज आपको बताते हैं, आप एक बार चीज को देखें ध्यान से। ठीक है, इस तरह से ये सन है, ठीक है, जो सन रेज इस पे पड़ती है तो कौन सी प्रक्रिया ये पूरा करता है, तो बता पाएंगे जरा?
कौन सी प्रक्रिया ये पूरा कर रहा है यहाँ पर? सूरज की रोशनी में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, या इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत आसान चीज है कि जब सूर्य की रोशनी में पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, अपने लिए भोजन तैयार करती हैं, उसके लिए सूर्य की रोशनी होना आवश्यक होता है, ठीक है। और उस कंडीशन में पत्ते जो है, पत्ते के द्वारा वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करता है। इस तरह से वो अपना खाना बनाने की प्रक्रिया, भोजन की प्रक्रिया को पूरा करता है ना। दूसरा होता है इसमें वाष्पोत्सर्जन, जो पत्तियों का मुख्य कार्य है, उससे लॉस ऑफ वाटर भी होता है। अगर इस प्रक्रिया के कारण धूप तेज होगी और नमी कम होगी तो ये वाष्पोत्सर्जन भी साथ में होगा, है ना। तो दो प्रक्रियाएं साथ में चलेंगी, अगर हीट टेम्परेचर हाई है तो यहाँ से ऐसा करके निकलेगा, टेम्परेचर भी निकलेगा पत्तियों से, मतलब वाष्पोत्सर्जन भी होगा, ये लॉस ऑफ वाटर है, समझ रहे। तो इस दो प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण और लॉस ऑफ वाटर यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, एवेपरेशन जो हो रहा है यहाँ पे, एवेपरेट करके निकल रहा है मतलब उसका पानी निकल रहा है, तो दैट इज दो प्रक्रिया पत्तियों की मुख्य होती है। आई होप कि समझ में आया हो, आपको समझ गए होंगे पत्तियों के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो बोलते जाइएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे हुई एंड इसमें वाष्पोत्सर्जन क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, जलीय अपघटन और श्वसन। क्या होगा सही जवाब? देखिए अभी मैंने आपको जस्ट बताया, एक आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा होगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, तो ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, आप देखिएगा तो समझिए, टेम्परेचर आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग तो उतना ही समझ रहे। इधर से टेम्परेचर बढ़ा पत्ती पर, टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ा तो इसका जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को ये किसके रूप में, किसके रूप में निकाल दिया? इवेपोरेशन के रूप में, वाष्पोत्सर्जन के रूप में, वाष्पोत्सर्जन के रूप में ये टेम्परेचर को बाहर कर दिया उसके अपने अंदर, अंदर जो पानी था लॉस ऑफ वाटर किया, तो इसका जो टेम्परेचर था, इसका जो ये था क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाइए, इसकी जो तापमान था, टेम्परेचर था, वो इक्वल हो गया, सेम हो गया, बैलेंस्ड हो गया, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को समझने के लिए। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? जस्ट क्वेश्चन बताया मैंने अभी, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या फिर विसरण, बताइए किस कारण से ये प्रक्रिया होती है पौधे के अंदर? किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? मैंने आपको अभी जस्ट बताया था क्लास में कि ये पौधा है, पौधे में ये पत्तियां हैं, पत्तियों में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, यहाँ से सन सूर्य होता है, सन की रोशनी जब इस पर पड़ रही होती है, तो इस कंडीशन में पत्तियों से क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना होता है, ऑक्सीजन से निकल रहा होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है। आप देखते होंगे, बोला जाता है कि सुबह के टाइम में लोगों को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उस टाइम में पौधे जो है, जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, जो सन रेज स्टार्ट होता है, उस प्रक्रिया, उस कंडीशन में पौधे जो है फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, और इस कंडीशन में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसी में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इसलिए हमें ऑक्सीजन मिल पाता है दिन में, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है जल, पनहरित, धूप और इनमें से सभी,
बताइए सही सही जवाब क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका? जब एक पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहा होता है, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो उसमें से उसका जो वाष्प है, पानी है, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर जल की भी जरूरत पड़ेगी और धूप की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन जब दो सही है तो तीसरा भी सही है, पनहरित भी होना चाहिए, है ना? तो डी इज द राइट आंसर। कितने लोगों को क्लास समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? जो आपको पढ़ा रहे हैं एकदम आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं, ज्यादा टेंशन लेके नहीं कि हाँ ठीक है रट लिए, अब बता दी तुम समझ गए, ऐसा वाला नहीं, एकदम हाँ ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ये बात समझ आ रही है मेरे को, ये एकदम एकदम क्लियर है माइंड में, एकदम समझ गए हाँ ये प्रक्रिया में हम कभी आप कोई क्वेश्चन पूछे हम बता देंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछे हम बता देंगे, ठीक है? कि प्रकाश संश्लेषण में धूप आया, मैंने बताया आपको, इसमें से जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, नमी कम होगी, तो वो पानी उससे निकलेगा, तो ऑब्वियसली उसमें पानी होगा, तभी तो वो अपना भोजन तैयार कर रहा होता है ना, तभी तैयार कर रहा है, तभी तैयार कर रहा है। और वो उसकी पत्तियां हरी पत्तियां होनी चाहिए, पत्तियां हरी पत्तियों पर जब धूप की प्रकाश पड़ती है तो उस कंडीशन में पत्तियां ऑक्सीजन को रिलीव कर छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करती है ना, उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऐसा अगर समझ में आपको आ रहा है तो फिर आपके लिए बहुत आसानी है, सब चीजें आप हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, कितना आसपच्ची वाला क्वेश्चन सब पूछ देता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और क्लोरीन। उसको पता नहीं है क्लास में इतने इतने मतलब कि स्कॉलर बंदे सब क्लास कर रहे हैं और इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। बताइए कोई क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीजें बाहर निकलती है, क्या छोड़ रहा होता है, वो बताइए। वो इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, आप लोगों भी हंस रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, बच्चे वाला क्वेश्चन कर दिया है। बताइए इतने तेजस्वी लोग हैं आप लोग, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी जस्ट बताया कि हम, आपने एक चीज सुना होगा ना, कभी सुना है कि नहीं सुना है, कि पेड़ के नीचे रात में सोना मना होता है, सुना है किसी ने? क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ के नीचे रात में सोना मना होता है, क्यों, इसका रीजन क्या है, किसी को पता है इसके बारे में रीजन? बताइए। जी नहीं, जी नहीं पूछो, रीजन बताइए क्या रीजन है, क्यों नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे रात में, वो मना होता है। यस एग्जैक्टली, जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है तो क्या होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में वो ऑक्सीजन को छोड़ता है जो हम लोग अपने अंदर लेते हैं, इसलिए बोला जाता है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जब रात में लोग सो जाते हैं अपने घरों में, जब आराम हो जाता है बॉडी, जब रिलैक्स होकर जब आप रिफ्रेश फील करते हैं, रीस्टार्ट होता है बॉडी, तो आप जब जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह जब उठिए आप देखेंगे कि उसके ऐसा मौसम कभी आपको नहीं मिलेगा, है ना, उसके ऐसा मौसम कभी आपको नहीं मिलता है। उस टाइम पौधे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता होता है, ठीक है? आपको देखेंगे जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगी, आपका एक सिस्टम बोला जाता है कि जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है एनर्जी लेवल डाउन होता है, ये सिस्टम एक बैलेंस बना हुआ है। तो जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, सूरज ऊपर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पौधों से बाष्पोत्सर्जन भी होगा, वो पानी को भी लॉस करेगा वहां से। तो सुबह सुबह जो है आपके अंदर एनर्जी होती है और अब आप पौधे जो है उसकी प्रक्रिया एकदम रिफ्रेश होती है, तो पौधे भी ज्यादा ज्यादा एनर्जी से इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, है ना, इस प्रक्रिया से पौधे पूरा करते हैं, तो आपको ऑक्सीजन फ्रेश मिलती है उस टाइम, उस टाइम कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
देखिए ये बोल रहा है कि असत्य पूछ रहा है आपसे, गलत पूछ रहा है। गुड मॉर्निंग हैव यू, गलत पूछा जा रहा है आपसे, कहीं नहीं पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, O2 का उपयोग नहीं होता है। आपको हम बता दें प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, गलत जवाब है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, सही जवाब है। ये पूछ रहा था औसत्य के बारे में, तो आपको औसत्य ये वाला है ना सी, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। लो इतना बताने के बाद भी सब लोग बी आंसर कर रहे हैं। भाई औसत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, गलत क्वेश्चन बताना है आपको। गलत क्या होता है प्रकाश? अभी अभी आप लोगों ने फिर कैसे बोल दिया कि हाँ, हमको बहुत समझ में आ रहा है, बहुत इजी समझ में आ रहा है, हम समझ पा रहे हैं, बहुत आसानी से हम समझ पा रहे हैं। अगर आसानी समझ पाते तो बच्चे वाला क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा होता। हाँ सही सही सही, हाँ एकदम नहीं समझ में आ रहा। हमने पूछा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ, एकदम नहीं समझ में आ रहा, एकदम नहीं, एकदम समझ में नहीं आ रहा। जिन्होंने सीख किया है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो आंसर देख लीजिए। हम लोग एक एक स्टूडेंट थे, वो बहुत हेल्दी थे, मोटे थे, तो सर पूछते थे आपको समझ में आ रहा है, हाँ, सर, हाँ सर, हाँ सर, एकदम समझ नहीं आ रहा सर, एकदम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, पानी से ऑक्सीजन का निकलना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। जी, जिन्होंने सीख किया है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ सोनल, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए है, ठीक है। जिन्होंने सही किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तेजस्वी लोगों को हम सलाम करते हैं कि आपका आंसर सही हुआ है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन था कि फोटोसिंथेसिस। अच्छा ये क्वेश्चन 7 8 क्लास में पढ़े होंगे। अब कोई आके बोलेगा मेरे को कि हम तो कॉमर्स पढ़े हुए हैं, हम तो मैं कुछ और पढ़े हुए, आर्ट्स पढ़े हुए, वो समझ में नहीं आता है। ये चीजें जो है कहाँ से आई है? ये चीजें 7 8 क्लास में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है, इसको प्रथम चरण में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। 7 क्लास का क्वेश्चन है ये। पर हम इस क्लास में आते हैं कि इतने तेजस्वी लोग क्लास कर रहे होते हैं ताकि आप लोगों से हम भी कुछ सीख लें, ठीक है। हम आपको आपसे सीखने के लिए आते हैं क्लास में, आप लोग हमको कुछ सिखाइए। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, बताइए। सही जवाब क्या होगा? जो भी लोग न्यू क्लास स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसके अलावा सारे स्टूडेंट लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे कंफ्यूजन को हम तोड़ देंगे अभी, ठीक है। बताइए आंसर। एक बात बताइए कि कौन से प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ जिसे बोला जाता है, किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ध्यान नहीं, बस समझ लीजिए बातों को, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी एक बार। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा प्रिज्म से जब हम प्रकाश को क्रॉस कराते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और सबसे ऊपर आता है वेलवेट और सबसे लास्ट में आता है रेड, मतलब कि बैंगनी और लाल, है ना। तो सबसे अधिक जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो इसका अधिक होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तरंग
रंगधैर सबसे अधिक, और वेल्वेट जो रंग होता है वेल्वेट, इसका जो है तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लिख लीजिए इनको, नहीं पता है ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक बात आपको बता दें कि तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति जस्ट इनवर्स होती है, ये दोनों जस्ट इनवर्स होती है, ध्यान रखिएगा। अगर रेड का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है तो रेड की आवृत्ति सबसे कम होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तरंगदैर्ध्य, इसकी आवृत्ति जो है लाल प्रकाश की आवृत्ति जो है वो कम होगी, आवृत्ति कम होगी तभी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है ना, और इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया सबको ये क्वेश्चन कि नहीं समझ में आता है फटाफट, देखो नहीं समझ में आया बता दी यहाँ पे। ठीक आ गया, वेव लेंथ सबसे अधिक लाल का होता है। तो बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, है ना। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है ना, तो लाल रंग के प्रकाश का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट भी करते हैं भाई अब्दुल्ला, सबको पहले समझा दे। देखिए सोनल बोल रहे ना, अगेन मैं बता रहा था कि जब आप किसी प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को व्हाइट प्रकाश को क्रॉस कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ऊपर में वेलवेट, ब्लू, इंडिगो, है ना, 7 रंग आता है, विब ग्योर बोलता है, ऊपर लिख लीजिएगा। तो उसमें सबसे ऊपर होता है वेलवेट और सबसे नीचे होता है रेड, तो रेड कलर का प्रकाश तरंग धैर्य वेव लेंथ बोलते हैं इसको, वेव लेंथ। वेव लेंथ सबसे अधिक होता है, और जिसका वेव लेंथ सबसे अधिक होगा आवृत्ति कम होगा, जस्ट इनवर्स होता है, ऑपोजिट होता है। उसी तरह से विब ग्योर यानी कि वेलवेट का, बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो जिसका तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ ज्यादा है उसी में ना अधिक होगी प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक, इसमें तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिक है इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी। क्लियर है, आवृत्ति कम, आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, समझ आ रहा होगा सबको, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है लाल रंग में, नीले रंग में, बैंगनी रंग में, हरे रंग में। आई थिंक कि इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग 100% कर लीजिएगा। रेड, हाँ, इसलिए रेड को क्यों यूज करते हैं, रेड को क्यों यूज कर, जबकि फ्रीक्वेंसी कम है रेड की लेकिन उसका वेवलेंथ बहुत है ना, तरंग धैर्य बहुत अधिक होता है, वेवलेंथ अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोड पर सिग्नल के रूप में या रेलवे में, रेल में, रेल की पटरियों के आगे में लाल रंग का लगा होता है, क्यों, इसका रीजन क्या है। देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन बताए थे ना, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग में, क्लियर है, क्योंकि एक क्वेश्चन में समझ लीजिएगा कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है इसलिए उसको यूज करते हैं सिग्नल में, और उसका फ्रीक्वेंसी जबकि कम होता है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएं तो जवाब। यस, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, याद रखिएगा ऐसी चीजों को, रिपीट मोड में लिख लिया कीजिए, बोल लिया कीजिए, आपको एक काम आएगा एग्जाम में, कल एग्जाम में जब बैठिएगा तो मेरी बात याद जरूर आएगी। काश हम एग्जाम में क्लास के टाइम में क्वेश्चन टाइप कर लिए होते तो हमको याद रहता, आप जो चीज टाइप कीजिएगा लिखिएगा आपको वो याद हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो पिगमेंट, एक बार समझ लीजिए, बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है कि पिगमेंट, पिगमेंट मतलब होता है कलर, ठीक है, पिगमेंट मतलब होता है कलर, ये नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछेगा पिगमेंट क्या होता है, जो पौधे में पिगमेंट है वो क्या है, तो पौधे का पिगमेंट ग्रीन है, पौधे का पिगमेंट जो वो क्लोरोफिल है, ठीक है, समझ में आया, वो क्लोरोफिल को बोलते हैं पिगमेंट, वो पिगमेंट उसका है, ठीक है ना, क्लोरोफिल। अब जो सुबह सुबह बोला जाता है कि लोगों को
घास पे चले, नंगे पाँव घास पे चलने को बोला जाता है, सुना किसी ने बात? घास पे चलने को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके वो पाँव में क्लोरोफिल की मात्रा आती है, उसमें उसमें जो है ओस की बूंदे भी मौजूद होती है, तो बहुत सारा रीजन होता है उसका, है ना? पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात दोनों में, दिन अथवा रात्रि में, केवल दिन में। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो स्टूडेंट से बैठ के बोलते हैं, बताओ तो ये क्वेश्चन पूछने का था, 7th क्लास का क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, हम बनने वाले हैं SDM, और हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है 7th क्लास का प्रकाश संश्लेषण का, तो अपन झुकेगा नहीं, ठीक है? अपन झुकेगा नहीं, ये सब क्वेश्चन का जवाब अपन देगा नहीं। हेलो प्रीति, हाउ यू, क्या हाल चाल, केमन आछेन? सही जवाब है ऑप्शन डी, दिन में, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, दिन में होता है, रात में नहीं होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, वो डिपेंड करता है वहां, जहां पे देखिए सूर्य की रोशनी होना जरूरी है, सूर्य की रोशनी होना जरूरी है, वो अलग सिस्टम है, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल का अलग सिस्टम ही अलग है। जी, सोनल बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि 6 से 12 तक के NCERT से पूछा जाता है, बहुत अच्छा लगता है सर, सब लोग आप जो बताते हैं सब बात। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? O2CO, N2SCO2, बताइए। इस क्लास में लोग बहुत तेजस्वी लोग क्लास करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है क्लास में, इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है सुनने में, अच्छा लगता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसने आंसर किया है अभी? अभी कार्बन डाइऑक्साइड किसने आंसर किया है, बताइए तो जरा। जी, प्रीति बहुत बहुत धन्यवाद, अभी पता चला मुझे। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करता है प्रकाश संश्लेषण में, और O2 को रिलीज करता है ना, CO2 को लेता है और O2 को रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, या फिर फोटोसिंथेसिस, या फिर फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं? इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी एग्जामों में ऐसे पूछ देता है। अब्दुल्ला आपने सी कैसे आंसर कर दिया, कैसे कर दिया सी आंसर, सी कैसे 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 किया आंसर आप लोगों ने सी? उसको बोलते हैं पौधे और पेड़ में जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब वो लिखा हुआ है फोटोसिंथेसाइजेशन है, वो दोनों में बहुत अंतर है। फोटोसिंथेसिस इसलिए इंग्लिश में बार बार बोल रहे थे, फोटोसिंथेसिस को पढ़कर कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लिख देता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं लिखेगा, हमारे लिए आते लिखे ना, हट गए, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? जड़, तना, पत्ती और फूल। क्या क्या इसका आंसर? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है जब एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। जड़, जड़ इज द राइट आंसर। अगला गुड, वेरी गुड। सही जवाब क्या होगा इसका? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है पौधे किस भाग में सर्वाधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती में सर्वाधिक होती है, पत्ती में, पत्ती लिखिएगा इसका सही जवाब, ठीक है? ठीक है, पत्ती में होगी ना, पत्ती इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूं उसका। ठीक इसलिए होती है क्योंकि पत्तियों के मोसेफिल उत्तक में होती है, ठीक है, विशेष से पत्तियों में होती है, नोट लिखिएगा। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है पत्तियों में सबसे अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में सबसे अधिक होती है क्योंकि मोसोफिल उसमें होता है पत्तियों में। ठीक है, तो पत्ती इज द राइट आंसर का, पत्ती सही जवाब है। अभी इतना इतना देर से जो हम फोटो वोटो बना रहे थे पत्ती का, तो उसके हिसाब से क्या होगा, मोसोफिल होता है, मोसोफिल। नोट कर लीजिएगा कि पत्तियों में विशेषता जो है मोसोफिल उत्तक होते हैं, सेल्स होते हैं, मोसोफिल बोलते हैं, मोसोफिल बता देते हैं आपको, मोसोफिल। ठीक है, मोसोफिल टिश्यूज होते हैं उसके अंदर में, इसलिए वो प्रक्रिया वहां पे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है, प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे और पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले और नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी और नारंगी क्षेत्र में, बताइए सही जवाब क्या करेंगे। यस, मोसोफिल उत्तक टिश्यूज होते हैं उसके पत्तियों में। गुड मॉर्निंग अमित, हाउ आर यू। बताइए सही जवाब है। अभी जस्ट क्वेश्चन मतलब, अभी ये क्वेश्चन मुझे नहीं बताना, नहीं बताना मतलब नहीं बताना, अभी क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। आप लोगों ने आंसर बी कर दिया, कैसे कर दिया अभी आप लोगों ने भाई आंसर, मतलब आप लोगों ने क्या क्लास में क्या समझ के रखा है क्लास को। प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में होगा ना भाई, ये हरे और पीला क्षेत्र कैसे कर दिया, अभी तो मैंने इसका डिस्कशन भी नहीं किया क्लास में। इतना देर समझाया कि वेवलेंथ किसका अधिक है, वेवलेंथ किसका कम है, प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में है, क्वेश्चन पढ़वे नहीं करते आंसर कर देते हैं। लिखिए आप पूजा लिखने की, सॉरी सी आंसर होगा, पूजा ने लिखा सॉरी सी। ओफो, अब हम करें तो करें क्या और बोलें तो बोलें क्या, ये तो हम समझे कि बच्चे वाला क्वेश्चन है, आप लोग 100% कीजिएगा और इसी क्वेश्चन में जुड़ गए। प्रकाश पूछ रहा है, प्रकाश प्रकाश के बारे में पूछ रहा है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर जल। हाँ हाँ मैंने देखा आपने सही आंसर किया माही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन में गलती है, एक मिनट लेट मी चेक प्लीज, एक मिनट क्योंकि मुझे भी एक कंफ्यूजन है, तो लेट मी चेक, मुझे भी चेक करने दीजिए, एक कंफ्यूजन है क्वेश्चन। यस सही है, जो मैं समझा था वही आंसर है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, नो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसका सही जवाब है। ठीक है, इसका अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है, नोट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। यू कैन चेक दिस क्वेश्चन, आप जहां भी चेक करना चाहें क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा अब्दुल्ला। ठीक है अब्दुल्ला, आप चेक कीजिए जाके पहले, प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट के, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवों को भोजन और दवा
हवा देने के लिए पौधों को भी जीवित रहने की आवश्यकता होती है ना। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद करते हैं, ये पता है, इस प्रकार संश्लेषण भी कहते हैं। आप देख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आप जो ग्लूकोज आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं, हम तो वही आपको बता रहे हैं, आपको वही तो हम बता रहे हैं। आप जो कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं, हम जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप जो ग्लूकोज आंसर कर रहे हैं, वही तो आपको बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है अंतिम उत्पाद उसका, यू कैन चेक। जो आप ग्लूकोज आंसर कर रहे हैं, हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट इसका अंतिम उत्पाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। लेकिन आंसर उसका अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। आप उस क्वेश्चन को चेक कर लिए, मैं कंफर्म हूं तभी आंसर करा रहा हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, है ना। प्रकाश लेता है, वो केमिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट एनर्जी को बदलता है, लाइट से वो केमिकल में चेंज कर देता है। प्रकाश संश्लेषण में पनहरित की भूमिका क्या होती है? जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, या इनमें से कोई भी नहीं। नो नो नो, डोंट बिलीव इन मी। यू शुड ब्राउज द इंटरनेट, यू शुड ब्राउज द गूगल एंड सर्च देयर, राइट दैट क्वेश्चन ऑन यूट्यूब गूगल एंड यू विल गेट द आंसर, राइट आंसर। डोंट ट्रस्ट इन मी एंड डोंट ट्रस्ट ऑन एनी वन एंड रिलाई, डोंट रिलाई ऑन एनी वन। यू आर द इंटेलिजेंट पर्सन, सो गो एंड गूगल एंड ब्राउज द इंटरनेट, यू विल गेट द राइट आंसर। आप लोगों ने ये जो आंसर लिख दिया है अभी, कितने लोगों ने सबने सी कैसे आंसर कर दिया भाई, सी आंसर कैसे कर दिया? प्रकाश संश्लेषण में पन हरित की जो भूमिका होती है, वो प्रकाश का अवशोषण करता है। पन हरित यहाँ पे पूछ रहा है आपसे फॉलेज के बारे में, आपसे पिगमेंट के बारे में, आपसे क्लोरोफिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। पन हरित ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पत्तियों का जो हरापन है, वो जो पिगमेंट है, वो जो फॉलेज है, वो प्रकाश का अवशोषण करता है। मेन पत्ती के बारे में नहीं पूछ रहा है। यस, एब्जॉर्प्शन फॉर लाइट। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एब्जॉर्ब पूछ रहा है, एब्जॉर्ब करते हैं कौन सी गैस? इजी क्वेश्चन, कि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस में CO2 को गैस को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। क्लास में मजा आ रहा है सबको, पढ़ने में अच्छा लग रहा है क्लास में आज? आई होप कि आप लोगों को आज साइंस का टॉपिक पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, बहुत एंजॉय कर रहे हो साइंस को पढ़ने में। अदरवाइज साइंस पढ़ने में लोगों को नींद आती है क्लास में, साइंस में लोग सो जाते हैं, तो क्या पढ़ा रहे हैं समझे में नहीं आता है, क्या सिंथेसिस सिंथेसिस बोलते रहते हैं, समझे में नहीं आता। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल। ऐसे ही हम रोज पढ़ाते हैं सोनल, आप बस आप लोग क्लास कीजिए, हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, हमको भी अच्छा लगता है आपको पढ़ाने, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बस पढ़ते रहे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है,
सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, CO2 होना चाहिए, जल होना चाहिए, ये तीन चीज होना चाहिए। और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बताइए क्या करेंगे सही जवाब? ऑक्सीजन। इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, इससे आती है, बताइए। बताइए इसका सही जवाब क्या करेंगे? क्या क्या आंसर? जल से होगा ना भाई, ऑक्सीजन। ओहो, ये जो आप देख रहे हैं, जल में का सूत्र क्या होता है? H2O होता है ना, इसी को जल बोलते हैं ना, शायद हमको जहां तक पता है, जल इसी को बोलते हैं ना, जल इसी को ना बोलते हैं, वो एसिड का नाम है। तो आपको पता है कि उसमें जल की उपस्थिति होती है, तो जल की उपस्थिति होगी तो जल से ही तो निकलेगा ना वो O2, O2 उसी से निकलता है ना, उसी से निकलता है O2, तो जल से निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परॉक्सीमोसोम में। दो की बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी 2011 क्वेश्चन है ये। प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है ना, कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित की प्रक्रिया मैंने आपको जस्ट बताई थी। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज, या फिर डाई फॉस्फोक्लोरिक अम्ल। इसलिए हम हट गए कि आपको आंसर दिखाई दे। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम यानी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो ग्लूकोज होता है, और इसका जो सबसे अंतिम उत्पाद है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ये समझ में आ गया सबको? याद रहेगा प्रथम जो इसका स्थिर यौगिक होता है वो ग्लूकोज है, और इसका जो अंतिम अंतिम जो इसका उत्पाद है वो कार्बोहाइड्रेट है। अंतिम कार्बोहाइड्रेट और प्रथम जो कंपाउंड है वो ग्लूकोज है, और अंतिम कार्बोहाइड्रेट। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और किण्वन।
श्वसन होगा ना, रेस्पिरेशन होगा ना, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, एक ऐसी एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें शुगर्स हो जो होता है, फैट जो होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है ना, वो ऑक्सीडाइज होता है। और एक मिनट होल्ड करें, आपको हम दिखाते हैं एक मैप में, वो दिखाते हैं, रुके एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए, आप लोग एक एक मैप दिखा रहे हैं, आपको सब दिखे, शायद आपको होना चाहिए दिख जाए। वो आ नहीं रहा है, पिछली गाड़ी वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो डाउनलोड हो ही नहीं रहा है। कोई नहीं, बाद में दिखाएंगे कभी, नहीं डाउनलोड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसको बोलते हैं श्वसन, श्वसन की क्रिया को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है पोटोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर, या ओचोमीटर, या फिर स्पिरोमीटर, बताइए क्या कहते हैं इसको। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन मापन का जो यंत्र कहलाता है, इसको रेस्पिरोमीटर बोलते हैं, है ना। रेस्पिरोमीटर इज द राइट आंसर। छुट्टी करना है हम लोगों को, पढ़ना कुछ जरूर, बताइए। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन है, तो आज क्लास खत्म ही कर देते हैं, फिर छुट्टी करें क्या फायदा है अभी, फिर नया कल टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक को दो बार पढ़े क्या कीजिएगा, एक टॉपिक को दो बार पढ़े क्या कीजिएगा, आज ही सो कंप्लीट कर देते हैं, आज सब लोग पढ़ लीजिए, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है रासारोहण के अंतर्गत, बाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत, प्रकाश संश्लेषण अंतर्गत, या श्वसन के अंतर्गत। हम क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करा देते हैं, ठीक है ना, जो है थोड़ा फास्ट करा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 80 या 85 क्वेश्चन है इस टॉपिक में, तो वो कवर करा देते हैं, थोड़ा फास्ट कराते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है किसमें, श्वसन के अंतर्गत, है ना, श्वसन के अंतर्गत होती है, रेस्पिरेशन के अंतर्गत। रात्रि में कि मैं वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्वेश्चन मैंने पूछा, क्वेश्चन आ गया। रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं, या रात्रि के समय O2 छोड़ते हैं, या रात्रि के समय CO2 और O2 छोड़ते हैं, इनमें से कोई भी नहीं, बताइए फटाफट जवाब। डोंट क्योंकि ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP का अभिप्राय क्या होता है, एडिसिन, एडोनोसिन, ट्रिफोसफेट, ट्राई फॉस्फेट, या फिर एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, या फिर एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ड्राई फॉस्फेट, डाई फॉस्फेट, या एडेनोसिन टेट्रा फॉस्फेट, क्या बोलते हैं ATP। सही जवाब हो जाएगा एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। एनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक एसिड, या फिर एथाइल अल्कोहल, स्टार्च, या फिर शर्करा।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग अलीशा, अभी क्या हाल चाल? बस जाओ जगह, इसका इथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल इज द राइट आंसर। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल, O2 तथा जल, CO2 तथा O2, इथाइल अल्कोहल। बताइए क्या जवाब हो जाएगा? CO2 तथा जल। ठीक है, CO2 तथा जल इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है उसे CO2 तथा जल बोलते हैं। सब लोगों ने क्वेश्चन को देखा नहीं, आंसर कर दिया, वो इससे पहले एनॉक्सी था। ठीक है, इससे पहले एनॉक्सी था, ये एनॉक्सी है। एनॉक्सी में जो अंतिम उत्पाद होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है, और यहाँ पर ऑक्सी है। ऑक्सी में CO2 तथा जल होता है ना, ऑक्सी में CO2 तथा जल होता है। ठीक है, तो रहने दीजिए, फिर कल ही कीजिए क्लास। इसका नेक्स्ट टॉपिक का आधा कुछ क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन कल करा देंगे। सब लोगों का करने का मन भी नहीं कर रहा है, तो कल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आपका 3 बजे, 3 बजे कीजिए क्लास। ठीक है ना, एक इतना कंटिन्यू क्लास कर भी करिए भी मत, उससे आपका दिमाग भी हैंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा देर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास कीजिएगा 3 बजे। 3 बजे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो है करंट अफेयर्स का क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसका पार्ट टू हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, आप लोग बात, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे पहले, कि आप लोग इतना 1 घंटे में इतना परेशान हैं, बोलते हैं पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी हम कम से कम 3-3 घंटा पढ़ाएंगे एक क्लास में, कैसे पढ़िएगा पॉलिटी 3 घंटा? बताइए, अगर राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो 3 से 4 घंटा लग जाएगा, कैसे पढ़िए? संसद पढ़ाने में 3 घंटा से ऊपर लगेगा, कैसे पढ़िएगा? आई कैन अंडरस्टैंड माही, बट अगर क्लासेस होंगी आपको तो कैसे पढ़िएगा फिर? सोचिए आप 3 घंटा। और या तो आप देखिए, दो ही ऑप्शन है, यू हैव ओनली टू ऑप्शन, इधर डू और लीव। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना, नहीं पढ़ना तो भी छोड़ देना है। चलिए कोई बात नहीं है, सारे न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर क्या कीजिए। शेयर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। हाँ जी, कल भी तो क्लास लिया था मैंने, राखी कल वाला क्लास नहीं किया था आपने, इमरजेंसी का, जैसे पॉलिटी क्लास आया था वैसे ही क्लास किया था मैंने। ठीक है, मैं आपको टाइम बता दूंगा ना, डोंट वरी। इसी टाइम में 11, अभी 1-2 दिन में के बाद ये सेशन खत्म होगा साइंस का, उसमें पॉलिटी पढ़ा देंगे आपको। ठीक है ना, पॉलिटी पढ़ाएंगे उस टाइम में, तो वो आपके थ्योरी क्लासेस भी होते रहेंगे। आप लोग शेयर जरूर क्या कीजिए, शेयर नहीं करते हैं आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, है ना, इस क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तक पहुँचे, ताकि हमें थ्योरी क्लास भी होगा, आप लोग फुल लेंथ टेस्ट भी कर लेंगे एक दिन। ठीक है ना, तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय इट, बाय बाय।